नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे पार्किंसन डिजीज के डेफिनेशन और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पार्किंसन डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि पार्किंसन डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पार्किंसन डिजीज जो है ये एक बहुत ही स्लो मोशन या फिर बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है या प्रोसेस है। क्योंकि इसमें अगर मैं आपको कोई एक डेट पूछूं कि आप कब जो आपका काम था, कब से आपने भूलना चालू किया, कब से आपका जो इस टाइप का जो मूवमेंट है, ट्रेमर का जो मूवमेंट है, वो कब स्टार्ट हुआ, तो आप एक डेट नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आपको ये उतना याद ही नहीं रहेगा कि ये जो था, ये ट्रेमर था, वो कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बहुत ही एकदम स्लो होता है ये। कल ही मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा स्लोली डिजनरेटिव न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो वैसे ही जो है ट्रेमर है, धीरे 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 होता है और उसी की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो होती है। और हम कैसे पहचान सकते हैं उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो कार्डिनल साइंस में चार तरीके के आपके जो डिसीज है या फिर कहा जा सकता है एक लक्षण दिखाई देता है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है आपका रिजिडिटी, सेकंड ट्रेमर, थर्ड है ब्रैडीकाइनेशिया। ब्रैडीकाइनेशिया को हम स्लो मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मूवमेंट है किसी भी व्यक्ति का वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, ये है ब्रैडीकाइनेशिया। फोर्थ है आपका पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी। मेरे पोस्टर में आपने देखा होगा कि पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी उसमें दर्शाई गई है, उसमें किस तरीके का हो जाता है पार्किंसन डिजीज में किसी भी पर्सन की पोस्चुरल जो चेंजेस है उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये थे कार्डिनल साइंस ऑफ आपके या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। कार्डिनल का मतलब है आपका महत्वपूर्ण या प्रधान। ठीक है, तो ये मुख्य कारण होते हैं ट्रेमर होने के। इस तरीके का आपको दिखाई देगा अगर आप देखेंगे किसी भी पर्सन में, तो इस तरीके की ही दिखाई देगी। रिजिडिटी का मतलब है आपका कि पेशेंट मुड़ नहीं पाएगा या फिर उसके जो बोन्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उसमें मूवमेंट जो होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं होगा या बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट होगा। सेकंड था आपका ट्रेमर। ट्रेमर में होगा कि किसी भी चीज को अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो आप जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर पकड़ेंगे भी तो बहुत ही ज्यादा ट्रेमर या कपकपी के साथ आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। थर्ड था आपका ब्रैडीकाइनेशिया। मैंने उसको बताया कि वो था स्लो मूवमेंट, कोई भी चीज जैसे कि कप ही पकड़ रहे थे, ट्रेमर के साथ बहुत ही ज्यादा स्लो जाकर आप उस चीज को पकड़ेंगे। और फोर्थ था आपका पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी, जिसमें कि जो पर्सन है वो कुछ इस तरीके का और बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ चलेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर ये भी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। रेस्टिंग ट्रेमर में वो आते हैं, नाम ही समझ में आ रहा है रेस्टिंग। ठीक है, रेस्टिंग के समय भी आपको क्या हो रहा है, ट्रेमर हो रहा है, वह प्रक्रिया कहलाएगी या फिर वह चीज कहलाएगा आपका रेस्टिंग ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब कपकपी जैसा होना। सेकंड है आपका रेजिस्टेंस टू पैसिव लिंब मूवमेंट। रेजिस्टेंस वॉलेंट्री मसल्स है उसको, ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स के साथ साथ आपके जो पैसिव लिंब मूवमेंट है वो भी साथ में हो जाएंगे। जैसे कि अगर
मैं इस हाथ को उठाना चाहती हूँ अपनी स्वेच्छा से। उसके साथ साथ क्या होगा, दूसरा भी हाथ अपने आप उठ जाएगा, लेकिन मैं उसको नहीं उठाना चाह रही थी, फिर भी ये जो कंडीशन है वो उसमें दिखाई देगा। या फिर एक झटके के साथ आप कोई भी चीज करना स्टार्ट करेंगे, वो कहलाएगा आपका रेजिस्टेंस टू पैसिव लिंब मूवमेंट। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट होगा इम्पेयर्ड मूवमेंट। इम्पेयर्ड का मतलब है कि जो आप मूवमेंट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, या बहुत, जैसे कि ग्रामर में होता है, बहुत ही स्लो तरीके से जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा आपके में, वो कहलाएगा, या किसी पर्सन में जिसको पार्किंसन डिजीज की प्रॉब्लम है वो कहलाएगा आपका इम्पेयर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पोस्चुरल गेट। इसमें बहुत सारी चीजें जो है आएंगी कि किस तरीके से लॉस होता है पोस्चुरल गेट में। सबसे फर्स्ट आएगा आपके पोस्चुरल गेट में सफलिंग गेट। सफलिंग गेट में आता है आपका बेबी स्टेप। अब सोच रहे होंगे बेबी स्टेप क्या है, ठीक है, तो बेबी जैसे छोटे छोटे कदम लेता है उसी तरीके का आपको इसमें स्टेप दिखाई देगा सफलिंग गेट में, या इसको हम बहुत ही स्लो मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लो चलेगा जो पर्सन है उसको पार्किंसन डिजीज है वो। लॉस ऑफ पोस्चुरल गेट में सेकंड है लॉस ऑफ बैलेंस। लॉस ऑफ बैलेंस, बैलेंस नहीं है पर्सन में, वो किस तरीके का रहेगा जो लॉस ऑफ बैलेंस है वो, कभी अगर पोस्चुरल गेट प्रॉब्लम होगी और वो जल्दी से उठ नहीं पाएगा, जल्दी से बैठ नहीं पाएगा, बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन के साथ जो चीजें हैं या जो वर्क है वो करना चाहेगा वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, और बैलेंस भी लॉस हो जाएगा जिससे जो पर्सन है उसके गिरने की संभावना है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ इस तरीके से चलेगा और बेबी स्टेप लेते हुए चलेगा, ठीक है, इस तरीके से पूरा वो झुक जाएगा जैसे कि आप मेरे पोस्टर में देख सकते हैं। ये तो था मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी, या फिजिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ, जिससे कि और जो मेंटली और फिजिकली और कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स है वो पार्किंसन डिजीज में देखने के लिए मिलते हैं। तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोनोमिक सिम्टम्स में आएंगे आपके एक्सेसिव स्वेटिंग, पैरोक्सिस्मल साइन, ठीक है। अब सोच रहे होंगे पैरोक्सिस्मल साइन, तो पैरोक्सिस्मल साइन होता है जिसमें कि मैं लिख देती हूँ, इसमें होगा पैरोक्सिस्मल साइन में एपिसोड ऑफ रेडनेस, ठीक है, स्किन में क्या हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा साथ ही, और वो रेडनेस का जो सेंसेशन है वो भी होगा, इचिंग टाइप का फील होगा, वो कहलाएगा पैरोक्सिस्मल साइन। सेकंड होगा अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये फर्स्ट था, सेकंड होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में वो क्या होगा, जब जो पेशेंट है या जिसको पार्किंसन डिजीज की प्रॉब्लम है वो जब उठना चाहेगा, ठीक है, वो उठेगा, लेकिन उसका बीपी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, हाइपोटेंशन, ठीक है। जब भी वो लाइन डाउन या सिटिंग पोजीशन में है और अचानक से अगर वो उठेगा तो क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये बीपी जो कम होगा वो 20 mm ऑफ HG तक कम हो जाएगा, जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है कि अचानक से हाइपोटेंशन होने के कारण वह गिर भी सकता है, ठीक है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में जो है, अगर पेशेंट लाइन डाउन या सिटिंग पोजीशन में है तो अचानक से उठने पर उसको बीपी कम होने की शिकायत होगी 20 mm Hg तक। साथ ही साथ इसमें गैस्ट्रिक और यूरिनरी रिटेंशन दिखाई देगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है स्लो मोशन में हो रही है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी
हो सकती है। नेक्स्ट साइकेट्रिक चेंजेस या साइकेट्रिक में कौन कौन से चेंजेस दिखाई देंगे? सबसे फर्स्ट है जो आपका आएगा डिप्रेशन। आदमी सैड रहेगा, डिप्रेस रहेगा, क्योंकि वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है या बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में कर पा रहा है, बहुत पहले बहुत ज्यादा ही वो परेशान हो जाएगा। सेकंड है आपका डिलीरियम। थर्ड है डिमेंशिया। डिलीरियम है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस डिस्टर्बेंस हो जाता है, सीरियस डिस्टर्बेंस हो जाता है मेंटल एक्टिविटीज में। इसको हम पहचान सकते हैं कि इसमें जो टू जो ब्रेन फंक्शन है, दो जो ब्रेन फंक्शन होते हैं उसमें कमी आ जाएगी या उसमें डिसफंक्शन आ जाएगा, उससे हम पहचान सकते हैं कि पर्सन को डिलीरियम है। नेक्स्ट है आपका डिमेंशिया। इसमें दिखाई देगा कि मेमोरी लॉस और जजमेंट का भी लॉस हो जाएगा, दोनों चीजें हैं, मेमोरी भी लॉस होगी और जजमेंट भी लॉस हो जाएगा। साथ हेल्यूसिनेशन भी दिखाई देगा। हेल्यूसिनेशन पता है आपको कि इसमें जो चीजें एक्चुअल में होती है वो चीजें दिखाई नहीं देती है, हम किसी चीज को हेल्यूसिनेट करने लगते हैं या फिर हमें भ्रम हो जाता है कि वहां पर क्या चीज है। नेक्स्ट चीज दिखाई देगी साइकोसिस। साइकोसिस में होता है कि जो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। जितना हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए काम करता है, तो वो जो कलेक्शन है, जो प्रोसेस हो रहा है वो कम हो जाएगी, तो वही कहलाएगा आपका साइकोसिस। हेल्यूसिनेशन में आपके विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन देखने के लिए मिलेगा जिस पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है उसमें। हाइपोकाइनेशिया होगा, हाइपोकाइनेशिया मतलब जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होगा। साथ ही साथ इसमें दिखाई देता है मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब मास्क जैसे कि एक छोड़ दिए रहते हैं एक बार बना करके, वैसे ही टाइप का फेशियल एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा पार्किंसन डिजीज में। साथ ही साथ इसमें डिस्फोनिया भी दिखाई देगा। डिस्फोनिया इसमें होता है आपका स्लर्ड, लड़खड़ाने वाली स्पीच, बहुत ही शॉर्ट स्पीच, ही लो पिच्ड और नॉन ऑडिबल जो स्पीच है वो हमको सुनाई देगी, वो होगा आपका डिस्फोनिया। इसमें स्लर्ड क्यों होगा, क्योंकि जो हेड है वो हिल रहा है इस तरीके से, तो वो बात जब करेगा तो उसका हिलने के साथ साथ ही बड़ा बात भी चलते जाएगा, इसलिए क्या होगा, स्लर्ड स्पीच होगा और जो बात वो कर रहा है वो उसमें नजर भी आए, ठीक है, आप देख उसको सुन करके महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके का साउंड आ रहा है और लेस ऑडिबल भी होगा क्योंकि स्पीच है वो स्लर्ड है।